ई टू हो जाएगा एंड सो ऑन, ये आपका ए इंटरसेक्शन ई एन हो जाएगा। मतलब ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है ना, तो सर्कल के अंदर के पार्ट से, ठीक है। अब आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि ये जो ए इंटरसेक्शन ई वन है, फिर ये ए इंटरसेक्शन ई टू है, ये ए इंटरसेक्शन ई थ्री है एंड सो ऑन, ये ए इंटरसेक्शन ई एन है। अब ये भी डिफरेंट सेट्स से, डिफरेंट सेट से मींस ये जो सेट्स हैं ए इंटरसेक्शन ई टू, ए इंटरसेक्शन ई थ्री एंड सो ऑन, ए इंटरसेक्शन ई एन, इट इंड्यूसेस पार्टीशन ऑन द सेट ए। ये क्या कर रहा है, इट इज इंड्यूसिंग पार्टीशन ऑन द सेट ए। मतलब ये जो हमने इवेंट ए या सेट ए कंसिडर किया था, ठीक है, इसमें भी हमें अंदर की तरफ देखे तो अंदर की तरफ का स्ट्रक्चर इस तरह का है। ओके, तो ये जो अंदर ये सेक्टर्स हैं, ये सारे सेक्टर्स क्या हैं, दीज आर ए इंटरसेक्शन ई वन, ए इंटरसेक्शन ई टू, ए इंटरसेक्शन ई थ्री एंड सो ऑन। अब ई वन, ई टू, ई थ्री अप टू ई एन, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन ई टू, ए इंटरसेक्शन ई थ्री अप टू ए इंटरसेक्शन ई एन, इनमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। देर विल नो कॉमन एलिमेंट इन दीज सेट्स ऑल्सो, मीन्स दीज सेट्स विल फॉर्म और इंड्यूस द पार्टीशन ऑन द सेट ए। ठीक है, ये क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? यदि डाउट है मोस्ट वेलकम, पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, एक सिंपल सी बात है, हमने एक इवेंट ए कंसिडर किया है यहां पे। इससे पहले क्या था, सैंपल स्पेस एस था, ई वन, ई टू, ई थ्री, ई एन, ये सेट्स थे जो एस पे क्या कर रहे थे, पार्टीशन इंड्यूस कर रहे थे, पार्टीशन बना रहे थे। फिर हमने इवेंट ए कंसिडर किया, इवेंट ए कंसिडर करने के बाद इवेंट ए के अंदर का स्ट्रक्चर ये रहेगा। अगर हम इस पार्ट की बात करें, इफ यू कंसिडर दिस पार्ट, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये ए में भी है और ई वन में भी है, मतलब ये ए इंटरसेक्शन ई वन हो जाएगा। फिर हम अगर इस पार्ट की बात करें तो ये इंटरसेक्शन ई टू हो जाएगा। इस तरह से आगे वाला ए इंटरसेक्शन ई थ्री हो जाएगा, मतलब ये प्रोसीड, ये जो है ये ए इंटरसेक्शन ई एन हो जाएगा। दिस इज ए इंटरसेक्शन ई एन। अब क्योंकि ई वन, ई टू, ई थ्री अप टू ई एन में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था, तो ए इंटरसेक्शन ई वन, ए इंटरसेक्शन ई टू, ए इंटरसेक्शन ई थ्री एंड सो ऑन अप टू ए इंटरसेक्शन ई एन, इनमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब ये जो सेट्स हैं, दीस सेट्स विल इंड्यूस पार्टीशन ऑन सेट ए। ओके, यस, एनी डाउट, स्पेशली अंशिता, एनी डाउट इन दिस? आप चाहे तो माइक ऑन करके भी यस सर नो सर कह सकते हैं, ठीक है। एनीवन एल्स? ओके, अब मैं इसको थोड़ा अलग वे से बता रहा हूं, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए इस बात को। मैं फिर से स्कूल के ही एग्जाम्पल पे आ रहा हूं। स्कूल का असेंबली ग्राउंड है जहां पे 12 लाइंस बने हुए हैं। इस तरफ का पहला लाइन क्लास वन का है, फिर क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, क्लास फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। इमेजिन कीजिए कि स्कूल का असेंबली ग्राउंड और 12 लाइंस बने हुए हैं क्लास वन से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है। फिर एक अनाउंसमेंट हुआ, अब ये जो 12 लाइंस बने हैं दीज आर पार्टीशंस, ठीक है। अब एक अनाउंसमेंट होता है कि जिन बच्चों का नाम ए से स्टार्ट होता है, द स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट्स विथ ए, वो असेंबली ग्राउंड में रहेंगे और अपनी ही लाइन में खड़े रहेंगे, बाकी बच्चे क्लास में जा सकते हैं। तो जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है वो बच्चे आपको दिखाई देंगे अपनी अपनी लाइन में खड़े हैं। मतलब फिर से यहाँ पे क्लास वन की लाइन है जिसमें ए स्टैंडर्ड के क्लास वन की लाइन है जिसमें वो बच्चे खड़े जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। फिर क्लास टू की लाइन है जिसमें वो बच्चे खड़े जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। ऐसे करके लास्ट लाइन है जिसमें वो बच्चे खड़े हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, मतलब क्लास 12 के, ठीक है, क्लियर। तो इसमें भी आप नोटिस कर सकते हो, क्लास वाइज जो ये खड़े हैं, दिस इज नथिंग बट पार्टीशन। ये अगेन क्या है, पार्टीशन।
पार्टीशन ही है। ठीक है, अगर हम ये कंसिडर करें कि क्लास वन में दो बच्चे हैं जिनका नाम ए से है, क्लास टू में तीन बच्चे हैं जिनका नाम ए से है, क्लास थ्री में फिर से दो बच्चे हैं जिनका नाम ए से है, क्लास फोर में छह बच्चे हैं जिनका नाम ए से है, क्लास फाइव में एक भी बच्चा नहीं है, क्लास फाइव में देर इज नो स्टूडेंट विथ स्टार्टिंग नेम ए, ठीक है, तो वहां आपको लाइन दिखाई नहीं देगी। क्लास सिक्स में फिर से दो बच्चे हैं, तो आपको इस तरह से लाइन में खड़े हुए बच्चे दिखाई देंगे। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? इट इज द पार्टीशन, इट इज द पार्टीशन। अब ये पार्टीशन किस पे है? ए पे। ए पे मतलब इट इज अ पार्टीशन ऑन द स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट्स विद ए। इट इज अ पार्टीशन ऑन स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद ए, मतलब वो ये केस है। क्लियर? अब बताइए क्या ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? ये जो 12 अलग लाइंस आपको दिखाई दिए जिनमें सिर्फ ए नाम से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट्स खड़े हैं, इट इज अ पार्टीशन ऑन दोज स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद ए, मतलब ए नाम से स्टार्ट होने जो स्टूडेंट्स है ना उनका पार्टीशन। तो ये सेट ए है जिसमें सारे वो बच्चे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे स्पेशली इस सेक्टर में वो बच्चे हैं जो क्लास वन के हैं, इसमें क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर एंड सो ऑन, और यहां पे हम कंसिडर कर सकते हैं क्लास 12 वाले बच्चे हैं। ओके, तो ये हो गया पार्टीशन ऑन ए, मीन्स दिस विल फॉर्म अ पार्टीशन ऑन ए। ओके, इट विल फॉर्म अ पार्टीशन ऑन ए। ओके, अब इन सब का इंटरसेक्शन आएगा फाई। ये देखिए पार्टीशन कब होता है, जब जो सेट्स पार्टीशन बना रहे हैं उनका इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, मतलब इन सब सेट्स का आपस में इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई। इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन फाई होगा, इन दोनों का फाई होगा, इसका इसका फाई होगा, कोई भी इनमें से दो सेट कंसिडर किया तो उनका इंटरसेक्शन फाई होगा। और यदि यूनियन कंसिडर करेंगे तो इन सब का यूनियन आएगा ए, जैसे इन सब का यूनियन एस आ रहा था ना, वैसे इन सब का यूनियन क्या आएगा? ए आएगा। ओके क्लियर? मतलब अगर हम क्लास 12 की बात करें, अंकिता चौरसिया या अंशिता पांडे, ठीक है, तो वो क्लास 12 में ही दिखाई देगा। क्लियर? नो डाउट, वन से लेकर 11 तक और कोई गर्ल भी हो सकती है जिसका नाम अंकिता चौरसिया हो या अंशिता पांडे हो, बट दीज टू आर कॉमन विथ नेम, इनका नाम सेम है। ओके, इनका सिर्फ नाम सेम है बट एक्चुअली द स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। मतलब यहां पे कंसिडर करें कि अंशिता पांडे नाम की एक स्टूडेंट है और यहां पे भी एक स्टूडेंट है जिनका नाम अंशिता पांडे है, सो दे आर हैविंग ओनली कॉमन नेम बट एक्चुअली दिस टू स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। ओके, दिस द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, दिस द स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड। तो ये पार्टीशन इंड्यूस करेगा, और इन सब का यदि हम यूनियन करेंगे तो यूनियन में हमें क्या मिलेगा? पूरे स्कूल के वो बच्चे जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, पूरे स्कूल के वो बच्चे जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? अब यदि हमारे पास दो सेट्स हैं एक्स और वाई, और हमें ये पता है कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई है, इफ यू नो दिस दैट इंटरसेक्शन इज फाई, और हमें पता है कि इनका यूनियन जेड है, सॉरी इनका जो यूनियन है वो जेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई, और ये हो जाएगा पी एक्स प्लस पी वाई। क्या ये सही है? अकॉर्डिंग टू द एडिशन रूल यू हैव स्टडीड इन योर 11th स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्या ये क्लियर है आपको? दो सेट्स है जिनका इंटरसेक्शन फाई है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, तो जब इनके यूनियन का हम प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे तो इन दोनों सेट्स के प्रॉपर्टीज का एडिशन आ जाएगा। ठीक है, सेम यू हैव टू अप्लाई ऑन दिस, ये सारे सेट्स जो हैं ये सारे सेट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और इन सारे सेट्स का यूनियन ए आता है, तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस
probability of A intersection E2 plus dot 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 plus probability of A intersection EN. Concept हमने ये वाला use किया है, जो हमने last year study किया था, ये concept two sets पे था, जैसे हम any number of sets पे apply कर सकते हैं. Yes, any doubt in this? जैसे यहाँ पे ये दो mutually exclusive है, कोई भी common element नहीं है, वैसे यहाँ पे जितने भी sets हैं, इनमें कोई common element नहीं है, और इन दोनों का union जैसे z आ रहा है, इन सब का union a आ रहा है, हमने probability apply की, हमें मिलेगा p of z is equal to px plus py, मतलब p of a, it is p of this plus probability of this plus probability of this and so on. Yes, any doubt in this? Okay. अब इस केस में ये हो जाएगा probability of a, this is equal to probability of e1, selection of class 1 into probability of a by e1. ये हो गया selection of class 1, ये हो गया selection of student with name a from class 1. ये class 1 select हुआ, उसकी probability, ये student जिसका नाम a से start हो रहा है वो select हुआ, लेकिन कहां से? Class 1 से. इसका ये आएगा, इस केस में प्लस प्रॉपर्टी ऑफ ए इनटू सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ ई2, मतलब सेकंड क्लास 2 सेलेक्ट हुआ इनटू प्रॉपर्टी ऑफ ए बाय ई2, क्लास 2 सेलेक्ट हुआ और फिर स्टूडेंट जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है क्लास 2 का, ये हुआ प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसका आएगा प्रॉपर्टी ऑफ ईएन इनटू प्रॉपर्टी ऑफ ए बाय ईएन. यू गेट दिस? ओके, इन सब पे क्या अप्लाई हो रहा है? कंडीशनल प्रायोरिटी, ओके, या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई होगा तो हमें मिलेगा p ऑफ e1 * p ऑफ a / e1. क्लास 1 सेलेक्ट हुआ और फिर उसका स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ जिसका नाम a से स्टार्ट होता है, क्लास 2 सेलेक्ट हुआ और फिर उसका स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ जिसका नाम a से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन. ओके, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी. ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी. इसे लिखने के लिए ऐसे लिखा जा सकता है, p of a is equal to summation I running from 1 to n p of ei into p of a by ei, where I is from 1 to n. Okay, this is the total probability. Any doubt in this? If you have any doubt, please ask. Mic on करके आप पूछ सकते हैं. Only two responses. How many students are present? Seven students present है. Response केवल दो बच्चों ने दिया. Screen blur है. Okay. लेकिन voice आ रहा है. वॉइस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाउट? क्योंकि वीडियो आपका ऑलरेडी देखा हुआ है. ठीक है, चलिए. अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो. ठीक है, चलिए. अब मैं दर्शन आपकी बात कर रहा हूं. आई थिंक आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं आपकी बात कर रहा हूं. ओके, आपने पूछा था कि जैसे हमने सेट ए लिया है वैसे सेट बी लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल लिया जा सकता है. ठीक है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है. अब सेट बी कैसे लिया जा सकता है? जो हम एग्जांपल कंसीडर कर उससे हम कंसीडर कर सकते हैं एग्जांपल. नाउ दो स्टूडेंट विल कम हुज नेम स्टार्ट विद बी. ओके, अब वो स्टूडेंट जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है. ऐसे हम सेट सी भी कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनका नाम सी से स्टार्ट होता है. ठीक है, हम सेट्स बढ़ा सकते हैं, जैसे ए लिया था वैसे बी सी डी ले सकते हैं, उनके टोटल प्रॉपर्टीज हम फाइंड कर सकते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है. ओके, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. यस, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं बेस थ्योरम की तरफ. बेस थ्योरम क्या है वो समझ लीजिए.
सबसे पहले हमने एक सेट सैंपल स्पेस एस कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, इसमें हमने ढेर सारे इवेंट्स कंसिडर किए थे जो पार्टीशन इंड्यूस कर रहे थे, E1, E2, E3, EN, ठीक है, हमने ढेर सारे पार्टीशन कंसिडर किए थे, हमने सैंपल स्पेस एस कंसिडर किया था। तो ऐसे केस में जब हम प्रॉपर्टी ऑफ E1 फाइंड करते हैं जो कि आपको यहां दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टी ऑफ E2 फाइंड करते हैं जो कि यहां दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टी ऑफ E3, प्रॉपर्टी ऑफ E4, प्रॉपर्टी ऑफ E5, ऐसे केस में जो प्रॉपर्टीज फाइंड किए गए हैं E1, E2, E3, EN के, ओके, दीज आर प्रायर प्रोबेबिलिटीज और इन प्रायर प्रॉपर्टीज के लिए सैंपल स्पेस एस है, प्रायर प्रॉपर्टीज के लिए सैंपल स्पेस एस है, ओके। जैसे अगर ये कहा जाए कि क्लास 6 इज सिलेक्टेड, तो क्लास 6 जो सिलेक्ट होगा वो पूरे स्कूल से सिलेक्ट होगा, क्लास 6 जो सिलेक्ट हुआ वो पूरे स्कूल से सिलेक्ट हुआ, उसकी प्रॉपर्टी 1/12 आएगी, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में लिया था कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सबके एक एक सेक्शन है, तो हमारे पास टोटल 12 क्लासेस है, अगर हम एक किसी भी क्लास को सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी 1/12 रहेगी, तो क्लास 6 सिलेक्ट हुआ उसकी प्रॉपर्टी 1/12 है, या क्लास 8 सिलेक्ट हुआ उसकी प्रॉपर्टी 1/12 है, या क्लास 12 सिलेक्ट हुआ उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, 1/12, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये सारे क्या है, प्रायर प्रॉपर्टीज ऑफ दीज इवेंट्स। बेस थ्योरम में हमें पोस्टीरियर प्रॉपर्टी मिलती है, और वो पोस्टीरियर प्रॉपर्टी क्या रहती है, पोस्टीरियर प्रॉपर्टी में हमें इनी इवेंट्स E1 से लेकर EN की प्रॉपर्टी फाइंड करनी पड़ती है, बट कंसिडरिंग ए, जो हमारा इवेंट था जिसकी टोटल प्रॉपर्टी हमने फाइंड की, कंसिडरिंग इवेंट ए एज द सैंपल स्पेस, मतलब उस केस में इवेंट ए रहेगा और पोस्टीरियर प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी कंडीशनल प्रॉपर्टी, पोस्टीरियर प्रॉपर्टी इट विल बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब ये ई आई जो इवेंट है, हम इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे पोस्टीरियर, कंसिडरिंग ए इज गिवन, इवेंट ए जो है उसे गिवन कंसिडर करके करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेम सिचुएशन अराइज करते हैं हम लोग, ठीक है, बिल्कुल सेम सिचुएशन अराइज करते हैं। सिचुएशन क्या था, 12 लाइंस खड़े हैं हर क्लास के, ठीक है, फिर हमने ये अनाउंस किया कि सिर्फ ए नाम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने लाइन के क्लास में खड़े रहेंगे, बाकी बच्चे क्लास में जाएंगे, फिर से हमारे पास 12 लाइंस है लेकिन हर लाइन में सिर्फ ए नाम के स्टूडेंट्स ही खड़े हैं, ओके, हर क्लास में ए नाम के स्टूडेंट्स खड़े हैं, इनमें से किसी एक स्टूडेंट को बुलाया गया, ठीक है, इनमें से किसी एक स्टूडेंट को बुलाया गया, चीफ गेस्ट ने उनको प्राइज दिया, ओके। अब जनरली चीफ गेस्ट जब प्राइज देते हैं तो पहला क्वेश्चन चीफ गेस्ट का क्या रहता है, बेटा आप कौन से क्लास से हो, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता रहता है, ठीक है, या फिर मोस्टली जो ऑर्गेनाइजर रहते हैं वो देते हैं, या फिर अगर मुझे भी कहा जाए प्राइज देने के लिए हमारे स्कूल में ही, ठीक है, और कोई बच्चा 5th स्टैंडर्ड का हो तो मैं भी ये पूछूंगा बेटा कौन से क्लास के हो, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा जो है वो कैसा दिखाई देगा, मे बी ही इज फ्रॉम 4th, मे बी ही इज फ्रॉम 5th, मे बी 6th, मे बी 7th, ठीक है, उसका हाइट बॉडी स्ट्रक्चर देख के हम ये कह सकते हैं कि 4th से लेकर 7th तक ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, बेटा आप कौन से क्लास से हो, दिस वुड बी आ फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, फ्रॉम विच क्लास आर यू, मतलब हमारे पास जो स्टूडेंट आ चुका है उसका नाम ए से है ये हमें पता है, मीन्स दिस इवेंट ए इज एग्जिस्टिंग ये हमें पता चल चुका है अभी, ओके, इवेंट एग्जिस्ट कर रहा है ये हमें पता चल चुका है। जब हम पूछ रहे हैं फ्रॉम विच क्लास आर यू, ओके, मतलब अब हमें क्लास से ही ये बच्चा कौन से क्लास से है, सो वॉट इज हैपनिंग, इवेंट ए इज एग्जिस्टिंग, स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, इवेंट ए एग्जिस्ट हो चुका है, स्टूडेंट विथ नेम ए हमारे पास है, ओके, नाउ वी वॉन्ट टू नो फ्रॉम विच क्लास ही इज। तो अब फिर से हम क्लास की प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं, फिर से हम क्या कर रहे हैं, क्लास की प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं, लेकिन किस बात को ध्यान रख के, जो इवेंट ए एग्जिस्ट हुआ है उसको ध्यान रख के, मतलब ये स्टूडेंट जो हमारे पास खड़ा है इसको ध्यान रख के हम क्लास फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेस थ्योरम, और ये आता है प्रॉपर्टी ऑफ ई आई इंटू प्रॉपर्टी ऑफ ए बाय ई आई अपॉन पी ए। डिनोमिनेटर में आप पीए भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में आप चाहो तो पीए की जगह पे ये लिख सकते हो, समेशन आई फ्रॉम 1 to n प्रॉपर्टी ऑफ ई आई इंटू प्रॉपर्टी ऑफ ए बाई ई आई। अब ये कंडीशनल प्रॉपर्टी है और ये बेस थ्योरम है,
इसमें बेस एरर किस चीज का फाइंड किया गया है? इवेंट ए इज एग्जिस्टिंग, व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट दिस इवेंट ए इज एग्जिस्टिंग फॉर इवेंट ई आई. ओके क्लियर, प्रायोरिटी ऑफ इवेंट ई आई व्हेन ए इज गिवन, तो ये इसकी प्रायोरिटी रहेगी. अब मान लीजिए जो स्टूडेंट खड़ा है, अगर हम उससे पूछे फ्रॉम विच क्लास यू आर, और बच्चा कह दिया आई एम फ्रॉम थर्ड क्लास, तो यहाँ पे E3 आ जाएगा, प्रायोरिटी ऑफ E3 बाय A. अगर वो बच्चा कह दे आई एम फ्रॉम 8th क्लास, तो यहाँ पे E8 आ जाएगा. ओके दिस इज बेस थ्योरम. अब बताइए इसमें क्या डाउट है आपको? एनी डाउट इन दिस? नो डाउट. मैं आपको एक और एग्जांपल अभी दूंगा बेस थ्योरम का, फिर हम प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे. यस एनी डाउट? अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, इसे भी ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है. क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लास के बाहर 3 बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ठीक है, आउटसाइड द क्लास देर आर 3 बॉक्सेस, ठीक है, क्लास के बाहर 3 बॉक्सेस है. पहले बॉक्स में 6 व्हाइट और 6 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, दूसरे बॉक्स में 8 व्हाइट और 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, और थर्ड वाले में 5 व्हाइट और 7 रेड बॉल्स हैं. ओके 3 बॉक्सेस पड़े हैं. इन फर्स्ट बॉक्स देर आर 6 व्हाइट 6 रेड बॉल्स, इन सेकंड बॉक्स देर आर 8 व्हाइट 4 रेड बॉल्स, एंड इन नेक्स्ट बॉक्स 5 व्हाइट एंड 7 रेड बॉल्स हैं. ओके एक स्टूडेंट से मैंने कहा कि जाओ किसी भी एक बॉक्स से एक बॉल लेके आओ. ओके आई आस्क द स्टूडेंट दैट गो फ्रॉम एनी वन ऑफ द बॉक्स, टेक आउट एनी वन बॉल और वो लेके आओ. स्टूडेंट गया, उसने तीनों बॉक्सेस को देखा. अब जब वो तीनों बॉक्सेस को देख रहा है, तो ये जो बॉक्सेस है ये हमारे इवेंट E1, इवेंट E2, इवेंट E3 है. दीज आर इवेंट E1, इवेंट E2, इवेंट E3. जब स्टूडेंट किसी एक बॉक्स में से बॉल निकाल रहा है, तो उसके माइंड में E1, E2, E3 इनमें से सिलेक्शन चल रहा है. तो वो जो सिलेक्शन चल रहा है इट विल बी 1/3, 1/3, 1/3. हर एक का सिलेक्शन चांस 1/3, 1/3, 1/3 रहेगा. उसने बॉल निकाला, अंदर लेके आया और बॉल आके दिया. वो बॉल है वाइट बॉल, तो वो हमारा इवेंट ए है कि वाइट बॉल सिलेक्ट हुआ. वो हमारा इवेंट ए है कि वाइट बॉल सिलेक्ट हुआ, ठीक है. इज दिस क्लियर? अब सबसे पहले बताओ यहां किसी को कोई डाउट है क्या? ओके यहां तक क्लियर है? बाहर 3 बॉक्सेस थे, उनमें इतने 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 बॉल्स पड़े हैं. मैंने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, सपोज मैंने दर्शन को सिलेक्ट किया, दर्शन को कहा कि दर्शन बाहर जाओ किसी भी एक बॉक्स में से एक बॉल लेके आओ. दर्शन बाहर आया, दर्शन ने जब तीनों बॉक्सेस को देखा, वो E1, E2, E3 इवेंट्स है, पार्टीशन है, ठीक है, बॉल्स के ऊपर पार्टीशन है, ठीक है. दर्शन ने किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट किया, हर बॉक्स का सिलेक्शन मतलब E1, E2, E3 इनके इवेंट्स के प्रायोरिटीज 1/3, 1/3, 1/3 रहेंगे. दर्शन ने वाइट बॉल निकाला, अंदर आके दिया, मैंने व्हाइट बॉल देखा, ठीक है, मैंने आपने हम सब ने व्हाइट बॉल देखा. अब दर्शन को सिर्फ पता है कि ये व्हाइट बॉल कहां से निकाला गया है. ओनली दर्शन नोज फ्रॉम वेयर दिस व्हाइट बॉल इज टेकन आउट. अब मैं दर्शन को साइड कर देता हूं, ठीक है. हमारे पास अब तक क्या क्या आ चुका है? इवेंट E1, इवेंट E2, इवेंट E3 आ चुका है, A आ चुका है, और इसके बेसिस पे हम टोटल प्रायोरिटी PAB कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. बहुत ईजी है. देखिए टोटल प्रायोरिटी कैसे कैलकुलेट होगा. यहां पे आएगा प्लस प्रायोरिटी ऑफ E3 इंटू प्रायोरिटी ऑफ A/E3, ठीक है. अब टोटल प्रायोरिटी देखिए, ये 1/3 इंटू
ए बाई वन ये आएगा 6/12 प्लस 1/3 इंटू ये ए बाई टू ये आएगा 8/12 प्लस 1/3 इंटू ये आएगा 5/12। कैसे? बॉक्सेस का सिलेक्शन पी ऑफ ई वन 1/3 होगा, पी ऑफ ई टू 1/3 होगा, पी ऑफ ई थ्री 1/3 होगा। दिस इज व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स। पहले बॉक्स में 6 व्हाइट 6 रेड है, तो 6 व्हाइट और टोटल 12, 6/12। ए बाई टू व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड बॉक्स, 8 व्हाइट है टोटल 12 है इसलिए 8/12। ए बाई थ्री व्हाइट बॉक्स फ्रॉम थर्ड व्हाइट बॉल फ्रॉम थर्ड बॉक्स, 5 व्हाइट है टोटल 12 है 5/12। सबका ड्रॉ ऑर्डर 36 हो गया। 6 + 8 14, 14 + 5 19, आपको 19/36 आ गया। तो ये हो गई व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, ये हो गई व्हाइट बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी। अब दर्शन को इसलिए पता है कि उसने बॉल कहां से लिया था, हम दर्शन को साइड कर देते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन मेरा आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस व्हाइट बॉल, जो व्हाइट बॉल हमारे पास है मतलब ए एग्जिस्ट हो चुका है, ए क्या है एग्जिस्ट हो चुका है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस व्हाइट बॉल इज फ्रॉम सेकेंड बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस व्हाइट बॉल इज फ्रॉम सेकेंड बॉक्स, मतलब इस वक्त व्हाइट बॉल जो है वो गिवन इवेंट हो गया, ठीक है। व्हाइट बॉल जो है वो गिवन इवेंट हो गया। मेरा क्वेश्चन है कि क्या प्रॉबर्टी है कि ये व्हाइट बॉल इस सेकंड बॉक्स से है, क्योंकि बाकी बच्चों को तो पता ही नहीं कि बॉल कहां से निकल गया है। सो व्हाट इज द प्रॉबर्टी दैट दिस बॉल व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बॉक्स, मतलब हमें सेकंड बॉक्स की प्रॉबर्टी फाइंड करनी है कीपिंग इन माइंड द व्हाइट बॉल, ए इवेंट व्हाइट बॉल जो है उसे ध्यान रख के हमें इस ई टू की प्रॉबर्टी फाइंड करनी है। तो ये जो हम फाइंड करेंगे प्रॉबर्टी ऑफ ई टू बाय ए, ओके, दिस वी विल फाइंड बाय दिस फॉर्मूला, बेस थ्योरम, ओके, दिस वी विल फाइंड बाय दिस फॉर्मूला। ये क्या आएगा, इट विल बी प्रॉबर्टी ऑफ ई टू इनटू प्रॉबर्टी ऑफ ए बाय ई टू अपॉन टोटल प्रॉबर्टी पी ऑफ ए, जो हमने ये कैलकुलेट किया, टोटल प्रॉबर्टी पी ऑफ ए, ओके, क्लियर। तो ये है फिर से इस ई टू की प्रोबेबिलिटी, कीपिंग इन माइंड द इवेंट ए जो कि एग्जिस्ट हो चुका है, मतलब व्हाइट बॉल। तो ये जो ई टू की हम फिर से प्रोबेबिलिटी, इट इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई टू, और ये कैलकुलेट होगी बेस थ्योरम से। यस, एनी डाउट इन दिस?